दोस्तों, तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, जाने कैसे। आज ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जानकारियों से भरपूर है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम का है। दोस्तों, तुम्हारे अंदर जो भी चीज घिन पैदा करे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो इंसान हो। नंबर दो, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना सीख गया हो, सबसे ज्यादा खुशियां उसी के पास होती है। बहुत प्रैक्टिकली बात है, आजमा कर देखिए। नंबर तीन, अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो जाती है, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इच्छाओं का त्याग करो, आपके जीवन में मुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। नंबर चार, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उसका चेहरा मत देखो, हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। अगर किसी की सहायता करो तो सच्चे मन से करो, और ये उस पर एहसान जताने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को आनंद देने के लिए करें। सहायता करने के बाद जो खुशी आपको महसूस होती है, वो करोड़ों रुपए लगाकर भी खरीदी नहीं जा सकती है। नंबर पांच, क्रोध आने पर चिल्लाने की ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर चुप रहने के लिए ताकत लगानी होती है, और ताकत की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस लॉजिक को जरा समझ लीजिए, बहुत काम का है। नंबर छह, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंताएं भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए चिंताएं और पछतावा छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना सीख लीजिए, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख इसी में है, जीवन का सच्चा आनंद इसी में है। भविष्य की चिंता छोड़कर और पीछे का जीवन छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लीजिए, बहुत बड़ा गुण है, जीवन में फंसा कर देखिए। नंबर सात, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। दोस्तों, ये सात बातें तो हैं जिनसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो तुम मनुष्य से भी ऊपर मनुष्य बन सकते हो। मनुष्य के जो गुण से इंसान बनाते हैं को डेवलप कर सकते हो। इसलिए एकांत में रहकर इन सात बातों पर अमल करना जरूरी है। अगर आपने इतना कर लिया तो जीवन क्या से क्या हो जाएगा देख लेना, जीवन पलट जाएगा और आपके दुनिया में एक अद्भुत मिरेकल हो जाएगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।